नेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। अल्पसंख्यक समाज कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं एवं योजनाओं पर व्यापक समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि जिन बिंदुओं में विभागों की प्रगति कमजोर है, वे विभाग समुचित कार्य योजना बनाकर काम करें और सरकार की मंशा के मुताबिक अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का समुचित लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे। विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा अल्पसंख्यकों को योजनाओं की जानकारी मिले, जिससे वे समय पर योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन कर सके। जिसके की 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी द्वारा रखा गया है, इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करने के लिए जिले में कैसे इस डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, उसकी एक मीटिंग थी। उसके अंदर बड़ी निराशा हासिल हुई, डिपार्टमेंट की कोई क्लियरिटी जवाब नहीं है और कहीं भी पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। कलेक्टर महोदय को भी बताया इस बात के ऊपर लेकर अगली मीटिंग जो हम जनवरी के महीने में रखेंगे, नेक्स्ट मंथ हमारी पार्लियामेंट चल रही है इसलिए बिजी रहेंगे, उसके बाद में दोबारा से मॉनिटरिंग की जाए। 15% का शेयर हर स्कीम में, हर बजट में मिनिस्ट्री मॉनिटरी ने कहा है कि डिपार्टमेंट इस कार्यक्रम के तहत कि वो मॉनिटरी को मिलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी कमरे स्कूल्स में अलॉटमेंट भारत सरकार ने करे हैं। 15 करोड़ रुपये की लागत से सुजानगढ़ में एक हॉस्टल बनना है और 5-5 करोड़ के काफ़ी कमरे चूरू के अंदर बनने हैं, सुजानगढ़ में बनने हैं। उनके लिए कुछ ज़मीन के आवंटन का भी इशू है और कहीं पर वो फंड्स का जो काम पहले पूरा हुआ, उन पूर्ण कामों की जो क्वालिटी है उसको भी इशू लगा में, उसके लिए कलेक्टर महोदय का कि कमेटी बना के उनको ऊपर उनका देखा जाए कि कैसे कंस्ट्रक्शन काम हुआ है। इसी को लेकर मीटिंग आज बुलाई गई थी, दोबारा से एक मीटिंग एक महीने बाद बुलाने के लिए हमने आग्रह किया ताकि उस मीटिंग में प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। ट्रेनों के लेकर काफ़ी हमारा विस्तार की इच्छा है, हमारा काफ़ी काम इश्यूज़ हमारे पूरे हो रहे हैं। नई ट्रेनें चलाने की 5-6 ट्रेनें जो मन में है हमारी, वो जयपुर से अमृतसर है वाया चूरू होते हुए और इलाहाबाद से जयपुर का जो ट्रेन उसका एक्सटेंशन वाया सादुलपुर 3 दिन और 4 दिन वाया सीकर चूरू होते बीकानेर के लिए प्रस्तावित है। हनुमानगढ़ रूट के ऊपर हमारे को लाइन 2 नई ट्रेनें देने की हमारी बिल्कुल लास्ट प्लानिंग स्टेज में है, हनुमानगढ़ टू जोधपुर, हनुमानगढ़ टू उदयपुर, जो वीकली ट्रेन होंगी। और साथ ही साथ में लखनऊ से जयपुर का भी हम एक्सटेंशन की बात करें, रामेश्वरम अजमेर एक बहुत बड़ी ट्रेन की डिमांड रही है हमेशा, उस ट्रेन का भी डाइवर्जन वाया चूरू सादुलपुर और हनुमानगढ़ नौरभद्रा होते हुए फिरोजपुर तक जाने का प्रस्तावित है। ये 5-6 ट्रेनें ऐसी हैं जिन ट्रेनों की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी तो मंत्री महोदय से मिलकर इसको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द काम चालू हो जाए। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। ट्रेन डिस्प्ले यूनिट एक मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, चूरू शहर और हमारा रतनगढ़, राजगढ़, सादुलपुर और सुजानगढ़ चारों में लगेगा, क्योंकि ट्रेनें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और काफ़ी जगह पे प्लेटफॉर्म रेज करना है। बिजली का काम हमारा लगभग अभी चूरू से आगे पहुंच गए हैं, उम्मीद करते हैं 22 मार्च तक और नेक्स्ट मार्च के अंदर 2022 में काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद विद्युतीकरण वाली ट्रेन भी चल पड़ेंगी। वहीं जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 15 सूत्री कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, प्रधानमंत्री जन कौशल विकास योजना, अल्पसंख्यक ऋण योजना सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं पर समुचित विचार विमर्श कर निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला परिषद के CEO रामनिवास जाट, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान, कार्यक्रम अधिकारी गफार खान सहित अधिकारी गण उपस्थित थे। जिस समुदाय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किया, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के अंदर जो राशि जिले को आवंटित की गई, दुर्भाग्य से वो कागजों से बाहर नहीं आई। अल्पसंख्यक छात्रावास और बालिका छात्रावास के लिए भूमि नहीं मिली, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो टारगेट था उसमें 1% टारगेट मात्र अचीव करना, इस बात को दिखाता है कि इस प्रशासन की अल्पसंख्यकों के कल्याण में बिल्कुल रुचि नहीं। चूरू के पुलिस लाइन सभागार में आज क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी SHO, डिप्टी थाना अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। SP नायन टोगस ने बैठक में सभी अधिकारियों को पेंडेंसी निस्तारण और लोकल एवं स्पेशल एक्ट में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई के निर्देश दिए। SP ने कहा कि अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के अभियान में तेजी लाएं और कानून व्यवस्था के जो भी इश्यू हैं उनमें एक्टिव रहकर कार्य करें। बैठक में SP ने जिले में लंबी चोरी के प्रकरणों का खुलासा करने और सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो डालकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए हैं।
जिले की ये रूटीन क्राइम मीटिंग है और साल का जो अंत आ रहा है, तो सभी जो हमारे थानाधिकारी और डिप्टी एसपी है उनको पेंडेंसी किस प्रकार से कम करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पेंडेंसी को कम करना और लोकल एंड स्पेशल एक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखकर काम करना, अवैध हथियारों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करना और लॉ एंड ऑर्डर के कोई भी इशूज है उस पर एक्टिव रखे काम करना। राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से डॉक्टर के रिक्त पदों को लेकर चल रहे धरने को आज 13 दिन हो गए हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मनोज देवड़ा 2 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन व सरकार ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान भाजपा के प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी व युवा नेता समाज सेवी सावनमल ढाका ने आज धरने का समर्थन किया। आज लगातार 13 दिन हो गए हैं सामुदायिक के चिकित्सालय राजल देसर के जो यहाँ के राजदेश के स्थानीय निवासी मनोज जी देवड़ा हैं लगातार धरने पर बैठे हैं और दिनांक 22 तारीख से इन्होंने भूख हड़ताल जारी की है। तो मैं सरकार व यहाँ के स्थानीय प्रशासन व सीएमएचओ से निवेदन करता हूँ कि इस राजल देसर हॉस्पिटल की सुध ली जाए। यहाँ पर बार बार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे ये मुख्य कारण है कि यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। एक डॉक्टर के भरोसे पूरा राजल देसर चिकित्सालय चल रहा है। तो मैं प्रशासन को व सरकार को अवगत करा देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द यहां पर चिकित्सकों की नियमित भर्ती हो और जल्द से जल्द यहां पर चिकित्सक लगाए जाएं। जितने भी रिक्त पद हैं चिकित्सकों के वो यहां पर भरे जाएं और भरने के साथ साथ इस हॉस्पिटल की इस तरीके से सुध ली जाए। यहां पर कभी आवारा पशुओं के वीडियो वायरल होते हैं, कभी डॉक्टर बीड़ी पीते वीडियो वायरल होते हैं, कभी कुछ करते वीडियो वायरल होते हैं। तो मैं सरकार से व यहाँ के सीएमएचओ से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ इस हॉस्पिटल की सुध ली जाए और जितना हो सके ग्रामवासियों से भी मेरा और राजदेश सरकसी वासियों से भी निवेदन है कि इस धरने को आके यहाँ पर उनको सपोर्ट करें, इनको बिल्कुल इस धरने में शामिल हो सभी साथी। ये धरना एक व्यक्ति विशेष का नहीं होकर पूरे गांव का या पूरे कस्बे का धरना है। इससे राजदेश के आसपास बहुत सी देहातें लगती है और गाँव की आबादी क्षेत्र है। तो सभी साथी मिलकर इस धरने को आगे बढ़ाएँ और मांगे मनवाने की कृपा करें। जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सांसद राहुल कस्वा ने किया। कस्वा ने कहा कि खेल को अनुशासन में रहकर खेलें। केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए खेल योजनाओं से युवाओं को लाभान्वित किया है और आगे भी केंद्र सरकार युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे लाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वे सतत प्रयासरत है। हम सभी की यह कोशिश रहनी चाहिए कि लोगों को मेडिकल कॉलेज की बेहतरीन सेवाएं मिले। उद्घाटन मैच डीबी हॉस्पिटल स्टाफ व पीडीयूएमसी के मध्य खेला गया, जिसमें पीडीयूएमसी ने डीबी हॉस्पिटल स्टाफ को 12 रनों से हराया। इस अवसर पर प्राचार्य महेश मोहनलाल पुकार, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर गजेंद्र सक्सेना, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आदि मौजूद थे। सभी डॉक्टर्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को मित्र से बहुत बहुत तो पहले नमस्कार दूंगा मैं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि आई बीन पार्ट ऑफ दिस, कि आज आपका ये वार्षिक उत्सव चल रहा है और स्पोर्ट्स के थ्रू आपने शुरुआत करी है। इट्स अ प्लेजर बीइंग यू पीपल आर हियर इन माय डिस्ट्रिक्ट एंड माय कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द मेडिकल कॉलेज जो है इस आपके सामने, एंड वी आर मीटिंग ईच अदर फर्स्ट टाइम। सो आई एम टोटली वेरी मच हैप्पी टू सी यू पीपल। आई थिंक few people have come from different part of the country and might be local also, it might be here. So it's a wonderful experience being with you and seeing the sports facility. I won't give you too much of bhashan and all because people don't like bhashans. Do you like guys? I know nobody likes that. So koshish meri yahi hai ki district ke andar ek sansad ke roop mein medical college ki facilities ko improve karna hamari top most priority rehti hai aur infrastructure pe mazbooti ho ek sansad ke roop mein mera ye hamesha ek dream raha hai। चूरू के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चूरू है, इसके ऊपर हमारा स्पोर्ट्स के अंदर आपने हमारा कभी स्टेडियम विजिट किया होगा, तो इट इज हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ओलंपिक सिंथेटिक ट्रैक, सो विच वी आर प्रमोटिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द काइंड इन द ओनली वन आई थिंक इन राजस्थान विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय ओलंपिक एसोसिएशन फ्रांस एंड वी हैव अ नेम ऑन दैट वेबसाइट ऑल्सो of Olympic Association, so it's a wonderful time in this medical college. I think I should be giving something better for the sports, so I today announce rupees 10 lakh as a starting amount for your उत्सव स्टार्ट हो रहा है। उसके पक्ष में आज हमने क्रिकेट का मैच की शुरुआत करी है।
काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क अभी कॉलेज में होना बाकी भी है। कुछ दिन पहले भी मेरी मंत्री महोदय से मुलाकात हुई है भारत सरकार के, और हमने एक MRI मशीन की भी डिमांड करी है यहाँ पे। साथ ही साथ में बच्चों के खेल के लिए बहुत व्यवस्था होनी बकाया हुई, और प्रिंसिपल महोदय के अनुसार 7 बीघा लैंड पास में ली हुई है। मैंने आज एक शुरुआती राशि 10 लाख रुपए की घोषणा कर रही है इस कॉलेज के लिए, ताकि बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। बहुत दूर दराज पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिले, अच्छा हेल्थ सिस्टम मिले, अच्छा स्पोर्ट्स सिस्टम मिले, और उनका हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे बढ़े और आगे जाए, और कॉलेज के अंदर फैसिलिटी वाइज को कमी न रहे। ये गैप को फिल करने के लिए सांसद रूप में जो मुझसे हेल्प हो पाएगी उसको अवश्य पूरा करेंगे। आज इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया। मैं सभी का और कृष्ण महोदय का, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ आने का। अभी आपने देखा मेडिकल कॉलेज के एनुअल डे का फंक्शन आज से स्टार्ट हो रहा है। इसकी शुरुआत अब सबसे पहले नेशनल एंथम से की गई है। नेशनल एंथम होने के बाद टॉस हुआ, टॉस होने के बाद भारतीय हॉस्पिटल की टीम ने टॉस जीता है और मेडिकल कॉलेज की टीम ने बैटिंग और वो फील्डिंग करेंगे। चूरू के रामसरा रोड स्थित कच्ची बस्ती के बच्चों को आज सभापति पायल सैनी के जन्मदिन पर समाज सेवी मुकेश सैन के सौजन्य से फल वितरित किए गए। इस दौरान सभापति सैनी ने बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। सैन ने कहा कि सभापति सैनी द्वारा वार्डों में विकास कार्यों को गतिशीलता दी जा रही है। पिछले कार्यकाल में विकास के कार्य रुके हुए थे। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम सदस्य जयकरण कांटीवाल, हनुमान प्रसाद, मनोनीत पार्षद संजय भाटी आदि उपस्थित थे। में निवास करने वाले सभी बच्चों के साथ में और यहाँ पर रहने वाले सभी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उन सब के साथ में आज मेरा जन्मदिवस मनाया गया है, और सभी को केक खिलाकर व अकेले बांट कर फल फ्रूट देकर सभी के साथ में मिल बांट कर जो आज जन्मदिन मनाया गया है उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देती हूँ। मेरे सभी शुभ चिंतकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी पार्षदगणों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। राजस्थान टेनिस बॉल व चूरू जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के तत्वावधान में 28 नवंबर की सुबह रतनगढ़ की जालान कॉलेज के खेल ग्राउंड में सब जूनियर अंडर 17 बालक बालिका टेनिस बॉल क्रिकेट की राज्य स्तरीय ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। संघ के सचिव ठाकुर मन शर्मा ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ी संघ के पदाधिकारियों के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन यूपी के बाराबंकी में 16 से 19 दिसंबर तक होगा। घांगू गांव के वीर शहीद लखू सिंह राठौड़ के स्मारक पर बनी उनकी प्रतिमा का अनावरण 25 नवंबर 2021 गुरुवार को दोपहर 2:15 बजे किया जाएगा। गौरतलब है कि चूरू तहसील के गांव घांगू के लाडले व भारतीय सेना में 10 पैरा कमांडो के जांबाज लखू सिंह राठौड़ श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत सैनिक कार्रवाई के दौरान 31 अगस्त 1989 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद स्मारक व प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक विधानसभा क्षेत्र चूरू राजेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण व विशिष्ट अतिथि प्रधान पंचायत समिति दीपचंद राहड़ होंगे। ग्रेट व्हाइट कंपनी के भामाशाह डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से राजल देसर के उप तहसील कार्यालय में आज अभियान धरती अमृत के तहत मिनी जंगल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी ने कहा कि अगले 2 वर्ष में शानदार वन तैयार होगा जो एक तरह से घूमने योग्य स्थल में परिवर्तित होगा। उप तहसील राजल देसर में अगस्त माह में मियावा की तकनीक से सूक्ष्म वन लगाया गया था। आज कंपनी धरती अमृत के प्रतिनिधि आए हैं सूक्ष्म वन का निरीक्षण करने के लिए। हर माह ये आ रहे हैं और इसकी क्या स्थिति है इसका निरीक्षण के द्वारा किया जा रहा है। आज आकर 3 महीने से थोड़ा ऊपर समय हो गया है और इनके अनुसार वन की स्थिति अच्छी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह लगभग 2 साल के पीरियड के बाद ये सेल्फ इंडिपेंडेंट ये वन हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सदस्य एवं चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महेंसरिया ने आज नई सड़क पर कांग्रेस जनों की एक बैठक में निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा द्वारा पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के खिलाफ की गई टिप्पणी की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट है। उन्होंने कहा कि रामकेश मीणा की अशोभनीय टिप्पणी से करोड़ों युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए कड़ी मेहनत की और जनता के दुख तकलीफ में बराबर भागीदार रहकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, इसलिए पायलट साहब की आलोचना नहीं प्रशंसा करें। इस अवसर पर अमर सिंह धनेवा, लक्ष्मण सिंह न्योल, रामकिशन स्वामी सहित अनेक कांग्रेसी उपस्थित थे। की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और जो लोग आज सरकार में लाभ ले रहे हैं उनमें से एक रामकेश मीणा कह रहे हैं कि पायलट साहब ने मेरा मंत्री पद रुकवा दिया और पायलट साहब नहीं होते तो देश हो सके आपकी। वो निर्दलीय विधायक बने हैं, उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। तो पहले तो निर्दलीय विधायक को कांग्रेस के परिवार में बोलने की हक नहीं बनता है और वो आज की सरकार में बैठे हैं तो पायलट साहब की देन है, इसलिए उनको तो पायलट साहब का गीत गाना चाहिए, पायलट साहब की बड़ाई करनी चाहिए। पर पायलट साहब का बहुत बड़ा कद है, रामदेव सुना पायलट साहब की बगावत करके कोई बड़ा कद नहीं करवा सकता। जनता में आज चारों तरफ रामदेव सुना की बुराइयाँ हो रही है, उतने कार्यकर्ता उसके इस बयान की भर्सना कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि पायलट साहब जैसे कांग्रेस के सरकार प्रचारक करोड़ों युवाओं के हत्या समाज नेता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसी में कांग्रेस सूचित है और कांग्रेस विधायक से हटने की सूचना दी। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 21, 22, 23 व 24 के लिए प्रशासन शहरों के संघ शिविर का आयोजन आज देरासर सड़क मार्ग स्थित गोदावरी भवन में हुआ। इस दौरान पालिका अध्यक्ष अर्चना सरस ने 35 लोगों को पट्टों का वितरण किया। पालिका अध्यक्ष ने वार्डवासियों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उपस्थित कर्मचारियों को समस्या समाधान के लिए निर्देश दिए। सारस्वत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर में बिना किसी भेदभाव के पालिका द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद अकरम खान, अनिल सियोता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गोद भराई एवं अन्नप्राशन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने महिलाओं को फल व मिठाई देकर गोद भराई की रस्म निभाई। वहीं बच्चों को हल्का भोजन करवाकर अन्नप्राशन करवाया तथा खिलौने प्रदान किए गए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि महिला शक्ति वर्तमान में हर क्षेत्र में आगे है, पुरुषों से हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, महिला पुरुषों से कम नहीं है। और परिवेश उत्सव था तो 7 गोद भराई करवाई गई और 15 परिवेश उत्सव मनाए गए। जो दिए गए थे वो वार्ड पार्षद की तरफ से दिए गए थे इनके सहयोग से। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने भी प्रशासन, गांवों के संघ एवं शहरों के संघ अभियान के तहत ग्राम पंचायत सीसर एवं शहर के गोदावरी भवन में लगे शिविर का अवलोकन कर लोगों से रूबरू हुए। गोदारा ने कहा कि इस अभियान को शुरू करने के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा यह है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिले। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर ग्राम सीतसर में सरपंच बोगी देवी मेघवाल ने गोदारा तथा उनके साथ आए कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा व सुरेंद्र हुड्डा का अभिनंदन किया। पच्चीस नवंबर को जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जांगिर ने बताया कि कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और उसी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी 3 साल कुशासन दिवस के रूप में मना रही है। उसी के अनुरूप गुरुवार 25 तारीख को सुबह तारानगर विधानसभा से लगभग 3000 कार्यकर्ता चूरू पहुंच रहे हैं। वहीं आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिले भर से भाजपा कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे। पूरे प्रदेश भर में जिला हेडक्वार्टर पर एक बड़ा आंदोलन रखा गया है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करके जश्न मना रही है और उसी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी 3 साल के कुशासन के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है उसको लेकर जिला हेडक्वार्टर पर बड़ा आंदोलन कर रही है। उसी के अनुरूप कल सुबह 11 बजे
तारानगर से विधानसभा से लगभग 3000 कार्यकर्ता जरूर पहुंच रहे हैं। हमारे क्षेत्र से लगभग 200 छोटे साधन हैं और 27 बड़ी बसें हैं। उन साधनों के माध्यम से जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे, 3 साल के विफल कार्यकाल की वर्षना वहाँ करेंगे, क्योंकि 3 साल के अंदर आज जनता त्राहिमान है। पानी को लेकर, बिजली को लेकर जो जनता त्रस्त है, इस सर्दियों के अंदर गांवों में 7-7, 10-10 दिन पानी नहीं आ रहा है। और कांग्रेस सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। और बेरोजगारी भत्ता जो बेरोजगारों को लूटा, रीट की भर्ती में भ्रष्टाचार, सारी भी जो भर्तियां हैं उनमें भ्रष्टाचार का आतंक फैला रखा है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ अपनी मंथली पर ध्यान दे रहे हैं और यह जनता त्राहिमान है। इस जनता का विरोध दर्ज कराने के लिए बहुत से कार्यकर्ता कल लगभग 2500 और 3000 की संख्या में चूरू जिला हेडक्वार्टर पर पहुंचकर इस धरना को सफल बनाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाढ़रिया बाणी रोहतान गांव में नवनिर्मित मां शारदे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज सभापति पायल सैनी ने की। सभापति सैनी ने कहा कि हर मनुष्य को ईश्वर के प्रति सच्ची भावना रखनी चाहिए। जब भी आप किसी नेक कार्य में जाते हैं तो ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर जाएं। इस अवसर पर समाज सेवी शंकरलाल सैनी, PEO रघुवीर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह आदि उपस्थित रहे। सरस्वती की मूर्ति का अनावरण हुआ है, जो भामाशाह श्री शंकरलाल सैनी के द्वारा यहाँ मंदिर बनाया गया है। कम इनकी कीमत 1,25,000 लगभग अनुमानित आई है। बड़ा ही शुभ कार्य है आज का दिवस, इस माँ सरस्वती के मूर्ति के अनावरण में सभी पायल जी सैनी सभापति चूरू नगर परिषद के यहाँ पधारे में उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर अनावरण किया गया। माँ सरस्वती का धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम आधुराम है, मैं यहाँ अध्यापक हूँ, इको क्लब चलाता हूँ। जो आपने यहाँ पेड़ पौधे और सजावट देखी है, ये मेरे सहयोग से और पूरे विद्यालय के सहयोग से, पूरा विद्यालय इसमें तन मन से लगा रहता है, जिसकी वजह से और यहाँ विद्यालय का जो वातावरण है और अनुशासन है वो भी हम अपने प्रयासों से रखते हैं। धन्यवाद। रतनगढ़ के गांव दाऊदसर की बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन 25 नवंबर को होगा। आज हुई विभिन्न प्रतियोगिता में से 100 मीटर छात्रा दौड़ में प्रथम दाऊदसर की मोनिका बेनीवाल, छात्र दौड़ में प्रथम राजगढ़ का अक्षय, 600 मीटर दौड़ में प्रथम राजगढ़ का मंजीत कुमार व छात्रा वर्ग में प्रथम सात्यू की सुमन कुमारी रही। प्रतियोगिता को सम्पन्न करवाने में अशोक आलड़िया, मशहूल हक, रोहित लांबा, संजय स्वामी आदि ने निर्णायक की भूमिका निभाई। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बढ़ाई गई बिजली की दरों को वापस लेने, बाजरा खरीद केंद्र प्रत्येक तहसील पर शुरू करने, मूंग की खरीद पुनः शुरू किए जाने सहित विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया है। राजलेसर के राजकीय विद्यालय में चल रही राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों द्वारा प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य ललिता तेतरवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी छात्राएं खेल को खेल की भावना से खेल रही हैं। वहीं PTI सुधीर कुमार, विद्यासागर आदि जन का सराहनीय योगदान मिल रहा है। प्रातःकालीन सत्र में सर हमने 19 वर्ष 3000 मीटर रेस वॉक शुरू की थी, फिर जूनियर वर्ग की करवाई, उसके परिणाम फाइनल रिजल्ट निकाल दिए। इसके बाद बांस कूद सीनियर एंड जूनियर हुआ। इसके बाद में सर अभी जो हैमर चल रहा है उसका रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट जो इवेंट अभी हम करवा रहे हैं वो होगा 100 मीटर बाधा दौड़ सीनियर एंड जूनियर, और लास्ट में 200 मीटर फाइनल इवेंट करवाएंगे सर। इसके अलावा यहाँ पर व्यवस्था होता सर? व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, खाने पीने की व्यवस्था भाई साहब ने बहुत अच्छी शानदार कर रखी है, और रुकने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और हमारा जो स्टाफ है वो अच्छा बहुत कोऑपरेट कर रहा है। भाई साहब हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं, और 5 दिन नहीं 10 दिन से मैं जब यहाँ आया हूँ डेपुटे, तब से मेरे साथ हैं ये ट्रैक पे।
नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर में संचालित राष्ट्रीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र चूरू प्रभारी MR जाखड़ के निर्देशन में भूमिका निभाते हुए रतनगढ़ ब्लॉक के प्रभारी कमल कुमार स्वामी और NYV रतनलाल ने आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक नंदलाल और विक्रम रहे। इस भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुकेश कुमार शर्मा, द्वितीय स्थान शंकरलाल शर्मा और तृतीय स्थान नरेंद्र मेघवाल ने प्राप्त किया। चूरू सदर थाना के अंतर्गत गांव बीनासर के पास आज कार व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। गांव पोटी के दो युवकों ने सड़क किनारे पड़े शख्स को गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद निवासी 29 वर्षीय मनजीत सिंह के रूप में हुई है, जो रतनगढ़ में एक दूध डेयरी में कार्य करता था। वही रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर गांव गुसाईसर के पास भी आज ट्रक व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई व दूसरा घायल हो गया। घायलों को फतेहपुर विधायक हाकम अली अपनी कार से अस्पताल लेकर आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। वहीं ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। ASI राजेंद्र सिंह ने बताया कि तहसील के गांव हरदेसर निवासी 35 वर्षीय जयनारायण मेघवाल व 40 वर्षीय सांवरमल जाट गांव से एक ही बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे। वहीं ट्रक बीकानेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान ट्रक व बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें जय नारायण ने दम तोड़ दिया। चूरू में आज पत्नी के साथ कार में सवार होकर घर जा रहे युवक पर हमले का मामला सामने आया है, जहां एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने लाठी डंडों व सरियों से शहर के आथोड़ा मोहल्ला निवासी रफीक और उसके भाइयों पर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश को लेकर हुए इस हमले में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया। वहीं वारदात की सूचना पर CO CT ममता सरस्वती भी मौके पर पहुंची तथा घायलों की पूछताछ की।